खंडवा जिले में हनुमान जी के मंदिर के पास की सरकारी जमीन में लाश दफन करने से मामला गर्मा गया है। हिंदू संगठनों ने भिलाला समाज के लोगों के साथ मिलकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आक्रोश जताया। खंडवा जिले के मूंदी थाना अंतर्गत ग्राम पीपलकोटा की सरकारी जमीन में मंगलवार को ग्राम बांगरदा निवासी एक मुस्लिम का शव दफनाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मूंदी थाने से टीम मौके पर पहुंची। हालांकि विवाद होने तक समाज के लोग कब्र खोदकर शव को दफना चुके थे। इस मामले को लेकर ग्राम पीपलकोटा एवं ग्राम गोंडखेड़ा के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर निराकरण करने की मांग की थी। वहीं आज हिंदू संगठनों के साथ मिलकर खंडवा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने इसे दबंगई बताते हुए कहा कि अब तक जमीन पर दादागिरी से अतिक्रमण करने वाले लोग अब सरकारी जमीन में शव दफन कर कब्रिस्तान के नाम पर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि उक्त भूमि से कुछ ही दूरी पर भिलाला समाज का मांगलिक भवन और हनुमान जी का मंदिर है। इस भूमि पर कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो चुका है। पीपलकोटा पंचायत के पास इसके अलावा कोई शासकीय भूमि नहीं है। आपके पास किसी चीज के प्रमाण नहीं हो, परमिशन नहीं हो, पहले उस चीज का आपने प्रयास करना चाहिए। जहाँ की हमारे हिंदू समाज के बिलाला समाज का एक मांगलिक भवन बना हुआ है, उस मांगलिक भवन के मैदान में आप दादागिरी से आते हैं और किसी देड़वादी को आप इस्लामिक पद्धति से उसको वहां पर गाड़ देते हैं, तो यह दादागिरी उचित नहीं है। भाई, आप जहां से बॉडी लाए वहां पास में ही मुंडी का कब्रिस्तान है, आप उसको वहां पर आपकी पद्धति से उसका दाग दे देते हैं, उसको वहां पर उसकी कब्र कर देते हैं। पर दादागिरी के अनुसार जो ये कृत्य किया गया, यह निंदनीय है। समाज में पूरा रोष है और बिलाला समाज के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। समाज का यह कहना है कि वहां पर हनुमान जी का मंदिर भी है और अगर आप हमारी शरण में किसी को छोड़कर गए हैं और नहीं 15 दिन के अंदर हटाते हैं तो समाज आंदोलन करेगा। और अपनी शरण में कोई बॉडी आई है तो भाई हमारी पद्धति तो दाह संस्कार की है, तो समाज उस बॉडी का जो है 15 दिन के बाद समाज उसका दाह संस्कार करेगा, यह समाज का कहना है। इसलिए समाज से अभी भी शीघ्र की समन्वय बनाए, आपसी तालमेल बनाए, संबंध बनाए, भाईचारा बनाए और शीघ्र आपने जो गलती की है उस गलती को सुधारते हुए उस बॉडी को तत्काल वहां से हटाया जाए। और आपका अगर कोई ऐसा विषय है तो आप जाए, कोर्ट जाए, कचहरी जाए, प्रमाण लेके आए, वहां से आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उसके बाद उस विवादों की बात होगी। पहले दादागिरी करके इस तरह आपने जो वहां किसी मृत बॉडी का, मतलब उस मृत ने भी सोचा नहीं होगा कि मेरे को ले जाके ये हनुमान जी की शरण में सुला देंगे। बिल्कुल उस मृत ने भी नहीं सोचा होगा कि ले जाके मेरे को हनुमान जी की शरण में सुला के आ जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। आप शीघ्र हटाए नहीं तो समाज आंदोलन के माध्यम से उसका हिंदू रीति रिवाज के से उसका दाह संस्कार करेगा। और बिलाला समाज के जिले के बिलाला समाज के साथ समस्त हिंदू समाज भी उनके इस काम में सहयोगी बनेगा, अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेगा। नहीं है, मैं आपको कह ही चुका हूँ कि अगर ऐसी हो तो पहले प्रमाण लाए, कोई वहाँ योग्य अधिकारी आए, बताए, वहाँ का रेखांकन करें, सीमांकन करें, बाउंड्री करें और बताए कि यहाँ पर कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान है और हमारे समाज के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को ग्राम बांगरदा में मुस्लिम समाज के फरीद मंसूरी का इंतकाल हो गया था। परिजन व समाज के लोग शव दफनाने के लिए गोंडखेड़ा की शासकीय भूमि जो कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज में शव को दफना रहे थे, जिन्होंने आपत्ति के बावजूद नहीं माने और शव को दफना दिया। हालांकि इसे मुस्लिम समाज को आवंटित करने का दावा किया गया, लेकिन इस सिलसिले में वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। ऐसे में गेंद अब प्रशासन के पाले में है। अपर कलेक्टर बड़ोल ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पीपलकोटा के कुछ लोगों और हिंदू संगठन के कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि वहां पे भिलाला समाज के मांगलिक भवन की भूमि पर किसी अन्य गांव के मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसको वहां दफनाया गया है। क्योंकि ये आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, मसला मुंदी थाना अंतर्गत है, इसकी 2 दिन में विधिवत जांच कराई जाएगी।
और जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में अब जांच का विषय है कि उसको आवंटित है नहीं है या जो भी है, पर चूंकि अब जांच हो जाएगी उसके बाद में ही जो भी है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।